हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है एक U1 का ब्लूटूथ स्पीकर। इसमें हम ऑन करते हैं तो ऑन नहीं होता है, और जब चार्ज में लगाते हैं, इस पॉइंट में जब चार्ज में लगाते हैं तब ऑन करने की कोशिश करते हैं तो ऑन हो जाता है। देख सकते हैं चार्ज में लगा के ऑन हो जाता है, लेकिन जब ये निकालेंगे चार्जर तब बंद हो जाता है। ये देखिए बंद हो गया। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे, तो चलिए इसको खोल लेते हैं सही से। तो खोलने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। ये देख सकते हैं इसको हटा देना है, इस तरह से आराम से करना है, टूट ना जाए। तो पूरा निकालना होगा। इन जालियों को भी निकाल देंगे तरह से। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, इन चारों स्क्रू को खोलना होगा। तो मेरे पास है स्क्रू खोलने वाला टूल, तो इसे मैं खोल लूँगा आसानी से। खोलने की कोशिश करता हूँ, ये बहुत अंदर है, इसके लिए दूसरा स्क्रू ड्राइवर लाएगा, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, इसके ज़रिए खोल लेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसका जो स्क्रू है मैंने खोल लिया है, देख सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह से खोल लेता हूँ, ध्यानपूर्वक खोलना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक वायर जो है टूटा हुआ है, ये वायर टूटा हुआ है। देख सकते हैं, तो इसको जोड़ेंगे। ये क्यों टूट गया पता नहीं, इसको जोड़ देंगे। मोड़ दिया है, इसको सोल्डिंग करेंगे सही से। गिरने से जो है इसका वायर टूट गया है। सोल्डिंग कर देंगे सही से, मतलब दोबारा नहीं छूटेगा। हो गया। अब मैं एक बार इसको जो है चेक करके देखता हूँ ऑन होता है कि नहीं होता है। देख सकते हैं ऑन हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आप सही कर सकते हैं। इस
इसको आप फिटिंग कर देते हैं। बैटरी यहीं पे रहेगा और ये वायर जो है वायर यहाँ पे रहेगा इस तरह से। चलिए इसको लगा के फिर दिखता देख। कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। ऑन करने जा रहे हैं, देख सकते हैं हो गया ऑन। बस छोटा सा काम था लेकिन सीखने वाला काम था। तो चलिए इस तरह से सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।